हेलो फ्रेंड्स, आपका माय यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको वाराणसी स्मार्ट सिटी दिखाने वाला हूं। जैसा कि मैं अभी राजघाट पर स्थित हूं और राजघाट से कैंट रेलवे स्टेशन तक का आपको पूरा नज़ारा दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरा शीशे की तरह चमक रहा है, जो कि G20 की वजह से हुआ है। G20 फेज़ 2 में यही मतलब रोड पर काम किया गया था, और जो मतलब पहले बहुत ज़्यादा ये सब बेकार एरिया हुआ करता था। अभी यहाँ से मैं कजाकपुरा का एरिया दिखाऊंगा। अगर बनारसी अगर आप हैं तो आप जानते होंगे कि कजाकपुरा ये सब एरिया कितना बेकार था। और देखिए दीवालों पे कितना खूबसूरत पेंटिंग और डिवाइडर वगैरह सब एकदम फिर से कलर किया गया है, और रोड भी काफ़ी चौड़ा मतलब हो गया है, और अतिक्रमण जितना था वो यहाँ से खाली करवा दिया गया है, और जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अभी अब जैसे कि अगर कोई अगर बाहरी अगर बनारस आता है तो वो ज़रूर एक बार नाम करेगा, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा गंदगी हुआ करता था। अब आप देख सकते हैं कितना क्लीन सिटी हो गया है, और ये सब वाराणसी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत किया गया है। अभी देखिए इसके बाद आपको फेज़ 3 भी होगा अगस्त में, तो उस टाइम देखिए क्या क्या होता है। अभी यहाँ से देखेंगे पूरा स्मार्ट हो गया है बनारस। ये देखिए लोहे का पूरा रेलिंग वगैरह सब कुछ लगाया गया है, और ये सब G20 के बाद का नज़ारा है। और चलिए आपको दिखाते हैं, बस ये कि बारिश जब होता है तो यहाँ पे देखिए नीचे पानी लग जाता है, क्योंकि थोड़ा सा नीचा पड़ता है, रेलवे की वजह से इसको ऊंचा किया नहीं जा सकता है। और देखिए इसमें पूरा लाइटिंग से सजाया गया है, और ये देख सकते हैं ये पूरा ये पुल है, और पूरा ये रात में लाइट जलता है अंदर। अभी यहाँ से अभी आगे चलूँगा, अभी और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा नया नया, क्योंकि बनारस में आजकल कुछ ना कुछ नया हो ही रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री का हाथ काशी पर जब से आया है तब से काशी का पूरा काया ही पलट गया है। और देखिए यहाँ पे पूरा हाई टेंशन तार भी ऊपर ऊपर से पूरा लग रहा है। अभी देखिए यहाँ पे कुछ खुदाई का भी काम चल रहा है, क्योंकि सीवर का काम यहाँ हमेशा चलता रहता है, क्योंकि यहाँ पे बारिश वगैरह में बहुत ज़्यादा पानी जुड़ जाता है। और क्योंकि बनारस में एक से एक आपको नए नए प्रोजेक्ट आपको बड़े बड़े मिलेंगे देखने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वाराणसी का अगर और भी आपको अगर वीडियो चाहिए तो हमारे वीडियो अरे हमारे चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियो वाराणसी के मिल जाएंगे। और देखिए और भी यहाँ वाराणसी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत पूरे मतलब काशी को सजाया गया था। अधिकतर देखिए ये वाला जो रूट है ये सजाया गया था, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इसीलिए। अभी चलिए आगे भी मैं चलता हूँ, और ये देखिए कितना बेकार हुआ करता था पहले। ये साइड साइड में देखिए पूरा जितने भी मकान है आपको एक कलर का मिलेगा। ऐसा बनारस में कई जगह किया गया है कि एक कलर का पेंटिंग किया गया है सभी मकानों पर, और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और देखिए यहाँ पर डिवाइडर वगैरह भी यहाँ पर कितना अच्छा से पेंट किया गया है, और काफ़ी स्पेसबल एरिया है। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको स्पेस मिलेगा, और ये मेन सिटी नहीं है आपको बता दे रहे हैं, ये राजघाट से लेके कैंटोनमेंट का एरिया है, यहाँ पे गाड़ी घोड़ा का ज़्यादातर काम होता है बस। अब मेन सिटी जो है मेन सिटी में तो स्पेस बहुत ज़्यादा कम है। और देखिए बोर्ड वगैरह भी जगह जगह पर लगाया गया है वाराणसी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत, और जो काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है। जगह जगह पर देखिए 20 देश का झंडा भी लगा है, क्योंकि G20 में 20 देश भागीदार मतलब भाग लेते हैं। और देखिए यहाँ पे आपको पूरा एकदम इतना अच्छा लगेगा, देखिए बीच में पेड़ भी लगा दिया गया है जो कि काफ़ी देखने में खूबसूरत लग रहा है पेड़। और ये सब पेड़ देखिए अब हरा भरा हो रहा है, क्योंकि बरसात का टाइम भी है, और बरसात के टाइम में पूरा पेड़ लग जाता है। और देखिए कितना स्पेस लग रहा है आपको खुद देख आपको लग रहा होगा। जब भी आप राजघाट ब्रिज से कैंट की तरफ अगर पहले अगर गए होंगे तो आपको ऐसा नहीं दिख रहा होगा, ये काफ़ी बदलाव हो चुका है। और देखिए ये रेलवे का ब्रिज बन रहा है, मतलब ऊपर फुट ओवर ब्रिज बन रहा है, और देखिए आपको दिख रहा होगा। और देखिए इसको भी पूरा चमका दिया गया है, और देखिए यहाँ से अभी बाईपास करते हैं, साइड से रास्ता निकाला गया है। जब ये ओवरब्रिज जब बन जाएगा तो और भी आसान हो जाएगा, ट्रैफिक से बहुत ज़्यादा निजात मिल जाएगा। अब चलिए यहाँ से और भी आगे चलते हैं, और ये सब एरिया आप जानते होंगे, अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ये सब एरिया मतलब कितना गंदा था। अब काफ़ी सुधर गया एरिया, और बस बनारस के लोग गंदगी अगर ना करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि गंदगी यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। अभी देखिए अभी साफ़ सुथरा आपको दिख रहा होगा, कुछ दिन बाद आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ के लोग मानते नहीं है, गंदगी भी करते हैं। और देखिए ये भी पूरा पेंट किया गया था, देखिए ब्रिज के नीचे नीचे आपको दिख रहा होगा पूरा पेंट किया गया है, जो कि कितना अच्छा लग रहा है। और देखिए इस पर भी गंदगी लोग कर दिए हैं, ये बहुत गलत काम किए हैं, क्योंकि पैसा लगता है इसमें स्मार्ट सिटी बनाने में, और उसका रख रखाव अगर आप नहीं करेंगे तो सरकार कुछ नहीं कर सकती है। सरकार बस आपको यहाँ पर सुविधा दे सकती है और शहर को स्मार्ट कर सकती है, उसका रख रखाव आपको खुद करना होगा, आपको खुद अपने शहर को स्वच्छ रखना होगा। और देखिए लोग डिवाइडर पे अभी भी पान आन थूक दिए हैं। अब देखिए वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन है जो कि बगल में आपको दिखेगा, और सिटी रेलवे स्टेशन का भी रीडेवलपमेंट हो रहा है, काफ़ी बड़े में बन रहा है वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन, जो कि वाराणसी स्टेशन के बाद यही एक नंबर का स्टेशन एकदम बड़ा है, और बनारस रेलवे स्टेशन है। और देखिए यहाँ पर भी फ्लैग लगा है, जगह जगह पर आपको फ्लैग आपको दिखेगा,
और ये डिवाइडर जब से बना हुआ है ये पेड़ वाला बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये सब बहुत धूल गंदा वाला एरिया था, बहुत ही गंदा एरिया था, जो कि यहाँ से लोग गुजरते थे तो बहुत ज़्यादा इसका मतलब यहाँ से गुजरना ही नहीं चाहते थे, बस ये जानिए। और देखिए यहाँ से एकदम हाई स्पीड में आप जा सकते हैं, क्योंकि रोड इतना चौड़ा इतना क्लीन हो गया है, एक भी गड्ढा नहीं है रोड पे। और देखिए दीवार पे इधर भी पेंटिंग किया गया, कितना मस्त लग रहा है। और देखिए आपको खुद देखकर लग रहा होगा कि एकदम बिल्कुल अमेरिका की तरह चमक रहा है बनारस। अमेरिका से इसको वो मत करिएगा, लेकिन अमेरिका मैंने एक बस नाम दिया है कि अमेरिका की तरह चमक रहा है। और देखिए यहाँ पर अभी रेड लाइट जल गया है, अभी यहाँ से आगे बढ़ेंगे और भी आपको दिखाएंगे। आप बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। अभी आपको एक एक चीज़ मैं दिखाऊंगा कैंट रेलवे स्टेशन तक का। और देखिए पूरा यहाँ पे एलईडी स्क्रीन भी लगा हुआ है, जहाँ पे आपको पूरा एक एक डिटेल्स बताया जाता है शहर का। और देखिए यहाँ से भी आपको कितना चौड़ा लगेगा, कितना स्पेस आपको। देखिए पूरा पहली बात, जितने भी मकान हैं आपको पूरा का पूरा एक कलर का दिखेगा। आप जितना भी आप घर देखे होंगे सारा का सारा एक कलर का ही है, और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और देखिए दीवारों पे कितना खूबसूरत पेंटिंग किया गया है। बस ये कि बनारस के लोग उतना चलने नहीं देंगे, ये हमें पता है, क्योंकि पिछली G20 में भी यही हुआ था। देखिए पूरा का पूरा मकान एक कलर का हो गया है। और देखिए इधर भी हरा भरा पेड़ लगा हुआ है, कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। ये आपको पूरा आगे तक मिलेगा कैंट रेलवे स्टेशन तक का, इसीलिए मैं आपको कैंट रेलवे स्टेशन तक का पूरा नज़ारा दिखाऊँगा। आप बस बने रहिएगा। और वाराणसी का अगर वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं, बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। और देखिए ये वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन यहाँ पे आपको पड़ेगा, जो कि बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन है। अब चलिए आगे चलते हैं और भी आगे आपको नज़ारा दिखाते हैं, आप बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे भी जगह बहुत कम हुआ करता था, लेकिन जितने भी मतलब अवैध रूप से जो लोग रहते हैं उनको हटाया गया है, इसीलिए इतना आपको जगह दिख रहा होगा, नहीं तो जगह बहुत ज़्यादा मतलब कंजेस्टेड हो गया था ये सब एरिया। चलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा।